जेएमएम से चंपईदा के छोड़ के जाने से भाजपा में कोई फर्क पड़ेगा? चंपईदा आज जो भी वजूद है उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही उनको मिला है। जो ये सीट जेएमएम की है जेएमएम की ही रहेगी। तीर धनुष लोग वोट करेंगे? एकदम करेंगे। चंपईदा के जाने से कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। क्या होगा नुकसान उसमें? आपका बिजली बिल माफ हुआ है भैया? कितना? 20,000। तो खुश हैं? खुश हैं। वोट करेंगे जेएमएम को? हाँ, करेंगे। चंपाई सोरेन के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने लगभग 25 सालों से जनता को ठगने का सिर्फ काम किया है। इस बार किसको वोट करेंगे? हम लोग जेएमएम को वोट करेंगे। जेएमएम क्यों भाई? जेएमएम इसीलिए करते हैं, जो जेएमएम का ही है, मिट्टी का पार्टी है। और जितना गरीब आदमी को जितना योजना दिया गया है, आप देखिए बिजली बिल का जो माफ हुआ, केसीसी 2-2 लाख रूपए माफ हुआ। तो कह रहे मोदी है तो मुमकिन है? क्या मुमकिन है? पब्लिक को क्या दिया यहाँ पर? 25 साल से विधायक है, यहाँ का पब्लिक को क्या मिला? विकास दिखाइए, कहाँ क्या विकास है? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह सरायकेला में मौजूद हूं, और सरायकेला में मेरी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दुर्गा मंदिर है, और दुर्गा मंदिर का ये प्रांगण है। यहां कई सारे लोग उपलब्ध हैं बातचीत करने के लिए। हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सरायकेला का इस बार मूड क्या है, और सरायकेला के लोगों के दिल में कौन नेता बसता है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, आप अपना नाम बताएं। सर मैं जॉनी हाजरा हूँ जी, और पैसे से वकालत मेरा पैसा जी। इस बार मतदान के मुद्दे क्या होंगे, और क्या जेएमएम से चंपईदा के छोड़ के जाने से भाजपा में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर राजनीति के हिसाब से जाइएगा तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके पहले आप सीता सोरेन को देख लो, आप गीता कोड़ा को देख लो, कुछ फर्क पड़ा क्या? दोनों का दोनों सीट हार गए। और चंपईदा वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन चंपईदा आज जो भी वजूद है उनका, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही उनको मिला हुआ है। और दूसरी बात, वो जो एक आप प्रश्न किए कि वो जेएमएम छोड़ के भाजपा में गए, उनका कोई फर्क पड़ेगा, तो इस बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। चंपईदा अकेले गए हैं, वो सारा केडर और सारा जो उनके साथ थे वो सारा जेएमएम में ही है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग की माटी का पार्टी है। ये पार्टी छोड़ के कोई दूसरा दल में नहीं जा सकता है। ठीक है सर, आप बताइए, अभी बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा कि ये सीट परंपरागत तौर पर जेएमएम की रही है, यहाँ से चंपईदा विधायक रहे, अब चंपईदा छोड़ के चले गए हैं, तो इनका कहना था कि चंपईदा गए हैं, कार्यकर्ता नहीं गया है। सही तो बोले, ये सही है? सही है। तो इस बार क्या चंपईदा को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो तो जो मिलता है कम मिलेगा, ज्यादा तो नहीं मिलेगा। हाँ। और जो ये सीट जेएमएम की है जेएमएम की ही रहेगी। तीर धनुष लोग वोट करेंगे? एकदम करेंगे। चंपईदा के जाने से कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। क्या होगा नुकसान उसमें? अब ये बात अब भाजपा वाला से पूछिए ना जी, जहाँ पे अंदरूनी उनका गुटबाजी चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जहाँ है वहीं है जी। और गणेश महाली जो हम लोग के प्रत्याशी हैं, वो 2-2 बार से चंपईदा के अगेंस्ट में वो चुनाव लड़े हैं जी। आप उनका वोट कैलकुलेशन देख लीजिए ना। और वो बात आप भाजपा वाला से पूछिए कि उन चंपईदा के भाजपा में जाने से क्या वो खुश हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम पूरा संथाल पूरा कोल्हान सब साफ कर रहे हैं। अरे भैया, 2019 में 14 का 14 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा निकाला था जी, ठीक है जी। और अभी परिश्रम उनको करना है, हम लोग को कोई परिश्रम नहीं करना है। आप लोग जीत रहे हैं? 100% जीत रहे हैं, बहुमत से आ रहे हैं। चंपईदा गए, हेमंत सोरेन 5 सालों से काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के काम को अगर नंबर देना हो तो 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 देंगे, क्योंकि देख लीजिए 2 साल कोरोना में कट गया। हाँ। उसके बाद आप काम देख लीजिए, मैया सम्मान योजना, आप पब्लिक से भी पूछ लीजिए और पब्लिक से पूछ लीजिए कितना लाभ उठा है जी मैया सम्मान योजना का। और मुझे 4 योजनाएं बता सकते हैं हेमंत सोरेन की जो 5 सालों में काम किया है? आप अभी देख लीजिए रांची जो फ्लाईओवर अभी बना है, ठीक है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है। तो वो तो सीपी सिंह कह रहे हैं कि मैंने कराया है। आप बोलने वाले तो बोलेंगे बहुत कुछ। हाँ। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे। बिजली माफ देख लीजिए, आम जनता लोग से भी पूछ लीजिए बिजली माफ कितना माफ हुआ है। आपका बिजली बिल माफ हुआ है भैया? कितना? 20,000। तो खुश हैं? खुश हैं। वोट करेंगे जेएमएम को? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, जेएमएम का आदमी है, जेएमएम नहीं करेंगे होगा, जेएमएम को ही करेंगे। तो अच्छा, इस सीट पर पहले चंपईदा लड़ते थे, अब पार्टी ने बदल दिया है, तो उसका असर कुछ होगा चंपईदा का जाने का?
उसका तो वो जानेगा उसका असर क्या होगा, वो सोचेगा भाई अपना घर में आपका कुल्हाड़ी मार दिया। आप लोग वोट किसको करेंगे? तीर्थधनुष को। तीर्थधनुष को तो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन वापसी करें, फिर से सरकार में आए? आए सर, आपसे भी बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम जगबंधु आचार्य है। जगबंधु सरायकेला के निवासी हूँ। सरायकेला के निवासी हैं, वोट भी करते हैं। वोट भी करता हूँ। इस बार मतदान किसको करेंगे? चूंकि इस बार मतदान आप ही को करना है और आप ही के लिए कठिन सिचुएशन भी है। चंपाई सोरेन के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने लगभग 25 सालों से जनता को ठगने का सिर्फ काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अच्छी नहीं है, बीजेपी अच्छी नहीं है, बीजेपी अच्छी नहीं है। और आज जब वो बीजेपी में चले गए हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, बीजेपी अच्छा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अच्छा नहीं है जी। और आज उनको घुसपैठी का याद आ रहा है, इतना दिन घुसपैठी का याद नहीं आया। इतना दिन कहाँ थे वो? जब 25 साल से यहाँ पर थे उनको घुसपैठी का याद नहीं आ रहा था। आज वो बीजेपी में चले गए हैं तो उनको आज घुसपैठी का दर्शन आ रहा है। तो लगता है ये भाजपा मुद्दा बना रही है। हाँ, ये भाजपा सीधा सीधा मुद्दा है। और जैसे चंपाई सोरेन के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। और जब आपका हेमंत सोरेन यहाँ सरकार फिर से बना रही है। हेमंत सोरेन की किसी योजना से आप लाभान्वित हुए हैं? एकदम बिजली बिल माफ हुई है। बिजली बिल माफ? हाँ? कितना? सारे लोग माफ। मेरा खुद 30,000 का बिल माफ हुआ है। 30,000 का? हाँ। आप फिर खुश हैं? एकदम खुश हैं। और किसी योजना? और हम खुश नहीं है, यहाँ के सारे जनता खुश है। जो ऐसा नौबत आ गया था किसी को जमीन बेचना पड़ता, किसी को अपना घर बंधक देना पड़ता, किसी को अपना गाड़ी बंधक देना पड़ता, वो हेमंत सोरेन सीधे सीधे बिजली बिल माफ करके वो सारे लोगों को जो अपना जमीन खो देते, कोई अपना गाड़ी खो देता, कोई अपना घर खो देता, वो बच गया। वो बच तो सारे लोग खुश हैं यहाँ। तो हेमंत सोरेन लगता है वापसी करेंगे? एकदम वापसी करेंगे, 100% वापसी करेंगे। हेमंत सोरेन वापसी करेंगे। और कुछ लोग थे जी? जी सर, आपसे भी बात करेंगे। फोन 2 मिनट रखिए ना। आप अपना नाम बताए सर। उमेश कुमार भरना है। उमेश, उमेश जी आप यही सरायकेला के वासी हैं? जी। यहीं रहते भी हैं? यहीं रहते। वोट भी करते होंगे? वहीं वोट करते हैं। इस बार किसको वोट करेंगे? हम लोग जेएमएम को वोट करेंगे। जेएमएम क्यों भाई? जेएमएम इसीलिए करते हैं, जो जेएमएम का ही है, मिट्टी का पार्टी है। और जितना गरीब आदमी को जितना योजना दिया गया है, आप देखिए बिजली बिल का जब माफ हुआ, केसीसी 2-2 लाख रुपए माफ हुआ, फिर मैया से ना योजना चल रहा है, अभी 1,000 से फिर 2,500 किया जाएगा, विधानसभा में पास हो गया है। इसीलिए हम लोग सबको मतलब एकजुट होकर हम लोग जेएमएम सरकार बनाएंगे। तो चंपई दा तो कह रहे कि ये जितनी जितनी बात है, सुनिए ना, जितनी सारी योजनाएं हैं मैंने किया है। तो अच्छा आप बताइए, आप कोई भी, हम वहाँ पार्टी में रहेंगे तो हम भी योजना चालू करेंगे, मेन मालिक तो कौन होता है? जेएमएम सरकार ही ना होगा। आप वहाँ पर पोस्टिंग में, पोस्ट में थे, आपको बनाया गया था सीएम का दौर से, तो पार्टी तो जैसे अभी मतलब मोदी जी से सेंट्रल का प्रधानमंत्री है, तो नाम तो उन्हीं को होगा ना। हाँ। आप सरकार में, सरकार से हट के आएगा मुख्यमंत्री बन के आपको ये लागू किए क्या? ना बीजेपी में आके वो लागू किए क्या? अच्छा तो आप जो योजनाएं गिना रहे हैं, बीजेपी भी तो दे रही है गोगो योजना के तहत पैसे। क्या दिया गोगो योजना का? क्या है खाली वो पेपर पंपलेट एक्ट है, खाली वो पंपलेट एक्ट है ना, उसमें आपका आधार कार्ड का नंबर लिया जा रहा, ना अकाउंट नंबर कुछ मांगा जा रहा, कुछ हो नहीं, वो तो खाली पंपलेट है प्रचार के लिए। तो क्या भाजपा झूठ बोल रही है? भाजपा झूठ बोल रही है, आप उसका आंकड़ा देख लीजिए, उसका पेपर देख लीजिए। तो वो तो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? कुछ नहीं है, मोदी तो आज 20 साल से राज कर रहे हैं, क्या क्या किए? आप देखिए ना, आप इस बार झारखंड सरकार, झारखंड में 14-12 सीट एमपी में लाया जाता था, अभी 8 सीट आया, 4 सीट झारखंड मुक्ति में चल लिया, वो काम किया बोल करने लिया, वो भी क्या मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए 4 सीट आया ना, वो किसमें प्रभारी का पड़ रहा है? अच्छा तो जेल से आप बात किए, जेल हेमंत सोरेन सच में भ्रष्टाचार किए थे या राजनीति? हमसे ज्यादा आप जानेंगे, आप बताइए ना। नहीं नहीं, आप तो न्यायालय का फैसला भी आप सुन लिए, तो फिर आप तो हमसे ज्यादा जानिएगा जी। लेकिन पूछ आपसे रहा हूँ कि आप, नहीं नहीं, वो तो जनता जिसको वोट देना नहीं, है नहीं, वो इस बारे में क्या राय रखती है? ये हम आपको बता दे रहे हैं। ये तो सदस्य के मतलब ये तो मोहरा बना के आदमी को बगरा के उसको अंदर किया जाए, अगर सच में अगर भ्रष्टाचार रहते हैं तो फिर वो अभी भी अंदर में रहते हैं, अभी भी अंदर में रहते, काहे बाहर आए जी? हमें वैसे वॉशिंग मशीन है ना। भाजपा क्या कह रहे हैं आप? भाजपा तो वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन है क्या? इसलिए चंपाईदा अपना ईडी सीडी सीबीआई वो सबको डर के भाजपा ज्वाइन कर लिया, चंपाईदा पूरा साफ सुथरा हो गए। 5 महीना के पहले तो पूरा चंपाईदा भाजपा का कोस कोस के ये कर रहे थे। आप इधर आइए बोलिए।
भाजपा कह तो रही है कि मैया सम्मान योजना की जगह पे हम गोगो दीदी योजना दे रहे हैं जिसमें 2100 रुपए देंगे। कुछ नहीं मिलने वाला है, सीधा सीधी बात है, कोई गोगो दीदी योजना नहीं है। जी फिर बात करेंगे, दो मिनट। हाँ, कोई गोगो दीदी योजना नहीं है, ठीक है। पब्लिक सरायकेला का गधा बुद्धू नहीं है, सीधा सीधी बात है, ठीक है। उनको पता है आज अगर 500,000 के चक्कर में जाएंगे उनको साल भर पैसा मिलेगा। वो साल भर का पैसा देखेंगे या एक दिन का पैसा देखेंगे? हेमंत सरकार जो योजना दे रहा है गरीबों को दे रहा है, डायरेक्ट खाता में पैसा दे रहा है। सरकार बनने के बाद हर महीना 2500, एक साल का 30,000 रुपया। तो क्या भाजपा झूठ बोल रही है? एकदम झूठ बोल रही है, कोई गोगो योजना नहीं है। वो तो कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? पब्लिक को क्या दिया यहाँ पर? 25 साल से विधायक है, यहाँ का पब्लिक को क्या मिला? विकास दिखाइए, कहाँ क्या विकास है? कोई विकास नहीं है। क्या विकास है? आप ही देखिए, बताइए। आप तो है, कैमरा है, सब कुछ है आपके पास, जाकर घूम घूम के देखिए क्या विकास हुआ है यहाँ पर। किसको मतदान करना है? हाँ, मतदान किसको? मतदान सीधा जेएमएम को करना है। आज सरायकेला का यह माहौल है कि हर एक महिला जेएमएम को देगी वोट, हर एक महिला, तीर धनुष को। जी आप बोलिए, यहाँ बगल में उड़ीसा सरकार है। उड़ीसा सरकार जब बनने से पहले क्या क्या योजना जो चालू किए थे, एक भी अभी तक पारित हुआ? धरतल में आया है क्या? अब उनका देख रहे ना, प्रेस में क्या क्या दे रहा है, सब लड़की लोग कितना कर रहे हैं। अभी तक कोई धरतल आया तो कितना, 6 महीना हो गया ना। तो मतलब सीधा कह रहे हैं कि भाजपा झूठ बोल रही है? झूठ बोलता ही है, यहाँ भी झूठ बोल रही है, यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। आइए ना इधर आइए। अब इससे पहले भी देखिए ना, यहाँ सरकार बनने से पहले यही हो गया, जो वहाँ भी चालू लागू करने का पेपर पंपलेट लिए थे, अभी तक चालू लागू हुआ क्या? फिर झारखंड में तो बाद में कीजिएगा, वहाँ पहले चालू कर लीजिए। झारखंड में गोगो दीदी योजना मतलब क्या? गोगो मतलब चुनाव में आप गोगो हो जाइएगा। अच्छा, गोगो गोगो जाइए। हाँ जाइए। अच्छा, इसमें क्या है? आप सरकार में आइएगा तभी दीजिएगा, मतलब झुंझुना पकड़ा रहे ना आप जनता को। आप हेमंत सोरेन, आप हेमंत सोरेन जैसा होइए ना। हेमंत सोरेन अपना मैया सम्मान योजना में बढ़ोतरी किए ना, तो फिर कैबिनेट में पास भी हो गया। हाँ। तो आप गोगो दीदी योजना आप सरकार में आइएगा, चुनाव जीतिएगा, तो फिर गोगो दीदी योजना को आप शामिल कीजिएगा। और जहाँ तक चंपाईदा का बात है, अपना 40-45 साल का अपना कार्यकाल में अपना एक भी उपलब्धि बता दे सरायकेला में कि हम सरायकेला विधानसभा के लिए ये किए हैं, वो क्या है उपलब्धि मंत्री? आप जब तक हेमंत सोरेन का सरकार आया, गठबंधन में सरकार बने, आप मंत्री बने, फिर आप 5 महीना मुख्यमंत्री में रहे, आप कितना बेरोजगार को रोजगार देने का काम किए सरायकेला में? इंडस्ट्रियल बेल्ट है सरायकेला विधानसभा, यहाँ हर एक छोटा मोटा बड़ा कंपनी है। आप उनसे एक बार क्वेश्चन कर लीजिए कि आप कितना बेरोजगार को यहाँ पे रोजगार दिए, या आपका पैरवी से कितना कंपनी में एंगेज हुआ है, आपको पता चल जाएगा। ये तो खाली झुंझुना पकड़वाते हैं ना आदमी लोगों को, पैसा दे के इधर उधर मेरे आमने सामने आप घूमो।